टक्कर के आए, हमारी जरूरत है ना वहां पे लोगों को, और हम हैं किस लिए सेवा में, बट वी आर डूइंग हियर। अभी वहां पे जाइए और विद इन 20 मिनट्स जस्ट इन्फॉर्म मी व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। ओके फाइन, जस्ट इन्फॉर्म मी। हाँ जी, हेलो, हाय विवेक। जानवी, जानवी कैसे हो आप? आई एम फाइन। बहुत अच्छी लग रहे हो। थैंक यू सो मच। मतलब बहुत प्यारे हो आप। थैंक यू सो मच। वैसे बाहर खड़े हुए थे तो मैंने देखा, काम कर रही हूँ मैं, किसी का वेट कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, आप वेट कर रही हैं किसी का? जी। आप बहुत अच्छे लगते हो। आप जाइए, अभी मेरे को काम करना है, या फिर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो बताइए। मुझे आपसे कोई हेल्प नहीं चाहिए। यहाँ किस लिए आए? आप यहाँ पे खड़ी थी, मैं वहाँ पे बैठा था और मैं आपको देखा, मैं चला आया, फोन पे बात कर रही थी। हाँ जी, कोई बात नहीं, बताइए, मैं ऑफिशियल काम से बात कर रही थी, अभी बताइए। आपका नंबर मिल सकता है? नंबर क्यों चाहिए आपको? नंबर चाहिए था आपका। वही मैं पूछ रही हूँ, नंबर चाहिए था, आप बोल रहे हो मैंने सुन लिया, लेकिन क्यों चाहिए आपको नंबर? आपका नंबर इसलिए चाहिए क्योंकि हमें आपसे बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? अभी हम यहाँ खड़े हैं, आप बताइए क्या बात करनी है, हम अभी बात करेंगे। आप हमको बहुत अच्छे लगते हो। वो मैंने आपकी बात सुन ली, आपने मुझे बता दिया आप अच्छे लगते हो, आपको मेरा नंबर चाहिए, लेकिन आप बात किससे कर रहे हो? जब आप वहाँ से चल के आए तो आपने आपने ये माइंड में रखा कि आप किसके पास जा रहे हो, किससे बात करने जा रहे हो आप? मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ। जेंडर का ठीक है, लेकिन आपको एज ए पोजीशन डेजिग्नेशन पता है आप किससे बात कर रहे हो? पब्लिक सर्वेंट से बात कर रहे हो, किस लेवल पे सर्वेंट से बात कर रहे हो आप? IPS को दिख रहा है। दिख रहा है आपको, IPS दिख रहा है, तो आप आए सीधा बात करने के लिए, आपको पता है कि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, लेकिन हमें आपके साथ एक चाय पीनी है, मैनेज करना है, आपको पता है टाइम नहीं होता है हमारे पास, किससे बात कर रहे हो आप ये तो देखिए पहले, IPS से बात कर रहे हो? मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ, मुझे इतना पता है बस। नहीं, आप लड़की से तो बात मैं आपसे एक बात बोलूं, लड़की की जिम्मेदारियां आप देखो ना। मैं आपसे एक बात बोलूं, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? आप पूछ रहे हो, आप एक IPS से क्या पूछ रहे हो कि बॉयफ्रेंड है? मतलब बॉयफ्रेंड तो IPS का बॉयफ्रेंड नहीं होता। मुझसे पूछ रहे हो बॉयफ्रेंड है मेरा? लेके चलो एक मिनट, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, पता है? मेरी खराब हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या करते हो पहले ये बताओ मुझे। मैं इंजीनियर हूँ। तो इंजीनियर हो तो आपके पास काम नहीं है, एजुकेटेड हो है ना, इंजीनियर हो आप तो आपके पास कोई काम नहीं है? काम है मेरे पास। नहीं, लग तो नहीं रहा अभी यहाँ पे कि आपके पास कोई काम है। काम तो है। कहाँ से आप आके किसी से किसी भी टाइम, आपको पता है आप किसी का टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, उससे पूछ रहे हो कि उसका बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, आपको लगता है ये टाइम है आपके पास, ये काम है आपका? Will you be my girlfriend? No, I won't be your girlfriend. आप यूथ हो आज की, आपको समझ नहीं आता, आपको काम करना चाहिए इस उम्र में, आप सवाल क्या कर रहे हो, आपको पता है लाइफ बर्बाद हो जाएगी आपकी, समझ नहीं आता आपको? एक बार में कितनी बार बोल दिया मैंने आप आपको? इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? क्योंकि आप मान नहीं रहे हो ना, आपको इतनी देर से मैं समझा रही हूँ, आप क्वेश्चन किससे कर रहे हो? आप एक IPS से क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो कि आपका बॉयफ्रेंड है कि आप मेरी गर्लफ्रेंड बन सकते हो? आर यू सीरियस? सीरियसली? मैं सीरियस हूँ। नो, आप मुझे एक बात बताइए, IPS का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता? इट कैन बी, बट आप क्वेश्चन किससे पूछ रहे हो? ठीक है, आप किसी से? मुझे पता है, मुझे पता है कि मैं एक IPS से बात कर रहा हूँ, और मुझे पता है तो मैं क्यों बात कर रहा हूँ। टाइम की वैल्यू आप में रिस्पेक्ट करता हूँ, आप इतने बड़े पोस्ट पे हो, आई रिस्पेक्ट यू, बट मैं दिल से बोलूँ मैं आपको पसंद करता हूँ। आप आज के यूथ हो, आपको ध्यान किस पे देना चाहिए? डू यू रियली थिंक कि आप इधर घूमते रहो, आप पूछ रहे हो किसी से आगे कि आपका बॉयफ्रेंड है नहीं है, आप डेजिग्नेशन देख नहीं रहे हो, आपको उनका टाइम की वैल्यू नहीं है, और आपको गर्लफ्रेंड बनानी है? सीरियसली, आप गर्लफ्रेंड बनने के बाद टाइम की वैल्यू करोगे किसी की? मैं सच बताऊं ना, मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। आपको भी तो रिस्पेक्ट करनी चाहिए ना किसी के टाइम की, या नहीं करनी चाहिए? मुझे आपके टाइम की नहीं रिस्पेक्ट है, आपको रिस्पेक्ट, आप देख रहे हो हम कितने पिछले कितने मिनट से हम यहाँ खड़े हैं। डू यू रियली थिंक दैट यू आर रिस्पेक्टिंग माय टाइम? आई रिस्पेक्ट योर टाइम यार, आप बहुत, नो आई डोंट थिंक सो, आई हैव मेक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू आर डूइंग, ओके, बीइंग अ यूथ, आपको क्या करना चाहिए? आप इंजीनियर हो, आप पढ़े लिखे अच्छे लड़के हो, आपको जाके अपना काम करना चाहिए, आप यहाँ आके क्या पूछ रहे हो, क्या बातें कर रहे हो? आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? आप कितना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्योंकि आपको मैंने पोलाइटली समझा के मुझे आपसे एक बात बोलनी है। हाँ जी, आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, हाँ जी, आप इतनी एजुकेटेड हैं, यस, क्या IPS का बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता?
हाँ। एक सवाल का जवाब दीजिएगा प्लीज। अरे संविधान में ये लिखा है कि मैं आईपीएस को प्रपोज नहीं कर सकता हूँ। देखिए हम यहाँ पे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करने के लिए मेरे को इम्प्लीमेंट करना है, हमें काम करना पड़ेगा वो चीजें, ठीक है? और उस काम में आप बाधा डाल रहे हो। मैं बाधा नहीं डाल रहा हूँ, मैं आपके काम में बाधा नहीं डाल रहा हूँ। आई रिस्पेक्ट योर जॉब, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट योर वर्क, आई रिस्पेक्ट योर टाइम, बट रियली एंड आई लाइक यू एंड लाइक मतलब दिल से बोल रहा हूँ, आप मुझे पसंद हैं तो हैं। इंजीनियरिंग कहाँ से किया ये बताइए। हाँ मतलब एक अगर आईपीएस मुझसे पूछे तो मैं ना बताऊँ ऐसा हो सकता है? आप बताइए कि आपने इंजीनियरिंग कहाँ से किया है। IIT रुड़की से मैंने किया है इंजीनियरिंग। आपने IIT रुड़की से इंजीनियरिंग किया है, वन ऑफ द इंडिया के वन ऑफ द इलीट इंस्टीट्यूट से आपने इंजीनियरिंग की है। आपसे तू भी आ जाती है ना तो पूरा जिला हिल जाता है। तो अभी आप देख लो कि आपको करना क्या है। आपको मेरा टाइम वेस्ट करना है कि आपको यहीं खड़े रहना है या फिर आपको निकलना है यहाँ से? तो आप धमका रही हैं हमें। धमका नहीं रही हूँ, मैं आपसे बता रही हूँ, आपको पोलाइटली आपको समझा रही हूँ, ये सबसे पोलाइट वे है। वरना अभी मैंने आपको बता दिया कि कर क्या सकते हैं। आप बहुत तो कुछ कर सकते हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। जानते हो आप फिर भी बोल रहे हो। हाँ हम जानते हैं आप हमारा बहुत कुछ कर सकती हैं। तो फिर भी आप बोल रहे हैं। लेकिन पसंद करना गुनाह नहीं है और मैं आपको पसंद करता हूँ और ये मेरे लिए गर्व की बात है, प्राउड की बात है कि अगर मैं किसी आईपीएस ऑफिसर को पसंद करता हूँ तो इसमें गलत नहीं है। और आप मुझे पसंद हो, मुझे आपका नंबर चाहिए। मुझे एक सवाल आपसे करना है बस, आपका बॉयफ्रेंड है या नहीं? कि मैं अभी यूनिफॉर्म में हूँ और ये बहुत पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहे हो। और अभी आप एक काम कीजिए, यहाँ से निकलिए, आप जाइए यहाँ से, आप अपना काम कीजिए, आप देश को टाइम दीजिए ना यार, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? सच में आप बहुत अच्छे हो। मैं अच्छी हूँ, ठीक है, मैं आपके ओपिनियन और आपके जो आपने बोला है उसकी बहुत रिस्पेक्ट कर रही हूँ, आई रिस्पेक्ट दैट अलॉट, ठीक है। लेकिन आप जैसे यूथ जब ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं, फैकल्टी का जब टाइम वेस्ट करते हैं तो बहुत दुख होता है आप जैसे लोगों को देख के। बहुत अच्छी है, मुझे ये सब नहीं जानना है, मुझे फाइनली आपसे एक बात बोलना है, विल यू बी माय गर्लफ्रेंड? देखिए बर्बाद हो जाएगी, एक कॉल भी नहीं करना पड़ेगा मुझे और आपकी लाइफ पूरी बर्बाद हो जाएगी जो अभी आपने अच्छी खासी बना रखी है। आप सब कुछ कर सकती हैं, मैंने ये तो नहीं बोला आप नहीं कर सकती, आप सब कुछ कर सकती हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे हो, ये सब जानने के बाद भी आप मुझे ये चीजें बोल रहे हो फिर भी आप नहीं समझ रहे हो। लेकिन आप हमको पसंद हो ना, जिंदगी बर्बाद कर रही है तुम्हें अपनी। चलो निकलो यहाँ से, निकलो, एक मिनट निकलो, एक मिनट सुनिए तो आप। नहीं नहीं आप निकलो, आप सुन तो लीजिए, आपका निकलो अभी आप यहाँ से, सुनेंगे नहीं। वहाँ पे देखिए ये सब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तुम क्यों अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो सब, वो क्यों रिकॉर्डिंग की आपने इतनी सारी? वो मैं छोटा सा बस मजाक कर रहा था। कोई मजाक होता है, अलाउ करिए ना मैं इसको अपलोड कर दूं। नहीं, 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 आप इसको डिलीट कीजिए और आप बोलेंगे मैं डिलीट कर दूंगा। इतना पोलाइट आईपीएस ऑफिसर मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। आप बोल दीजिए ना, जैसे यूथ की भी तो प्रॉब्लम है ये, तरफ से आप डिलीट कर दीजिए, बाकी आपको जो दिल, आप परमिशन नहीं करेंगे तो मैं नहीं अपलोड करूंगा। आप कर लो लेकिन दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, 100% नहीं होगा। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, प्यार करना गुनाह नहीं है। कुछ बोल सकता हूँ? जरूर। लाइफ में ऐसा आईपीएस ऑफिसर, ऐसा पोलाइट आईपीएस ऑफिसर मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। और मैं दिल से बोलता हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, जितने भी हमारे रेपुटेटेड आईपीएस ऑफिसर हो या हमारे छोटे रैंक के ऑफिसर हो या हमारे कांस्टेबल हो, मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और सच में हमारे देश में ऐसे आईपीएस ऑफिसर की जरूरत है। जिस तरीके से आपका पेशेंस है, अनबिलीवेबल, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। और इस वीडियो को आप हिंदुस्तान के हर कोने में पहुँचाओ यार, इतना पोलाइट आईपीएस ऑफिसर लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा।